फिर दांत पड़ गए हो, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हो, चमड़ी सफेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। महाराज, माता गौ माता के दूध में और बछड़ा जब दूध पान करता है, पीता है, उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो बल की परिभाषा कहीं वर्णित नहीं हो सकती। उसका